देखिए कुछ ऐसी मिथक चीजें आपको परफ्यूम और अगरबत्ती बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले टाइम पे जरूर काम आएंगे लग जाते हैं। वहां पे एक सबसे बड़ी गड़बड़ी नजर आती है कि अरे यार, ये इतना कम डाइल्यूशन में मैं बनाने के बाद भी इसका फ्रेगनेंस कैसे नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा सोचना होता था उस टाइम पे, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आज मैं आपको बता रहा हूँ। उसी टाइम पे क्या है, एक मेरे सर थे जो फॉर्मुलेशन का काम करते थे, मतलब उनको परफ्यूमरी और इन सारी चीज़ों के बेस में अच्छी नॉलेज थी, और किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम उनसे मेरी बात हो गई। और उनका समझाना ये था कि देखो भाई, आप अगर फ्रेगनेंस बना रहे हो या फिर अगरबत्ती फ्रेगनेंस कर रहे हो और इसे मार्केट में आपको बेचना है, तो आप उस चीज़ को जो है उसी मार्केट में ट्राई करो। आप उसको पकड़ के मत बैठो कि इसका खुशबू ऐसा है, उसका खुशबू ऐसा है। आप नहीं हो जलाने वाले, जलाने वाले वही कस्टमर हैं जिनको आप छोड़ के दोगे या फिर आप दुकानदार को बेचोगे या पड़ोस में आप किसी को बेचोगे। मैं उस चीज़ को खराब समझता था कि इसकी फ्रेगनेंस अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। वही चीज़ें जब मैं पड़ोस के लोगों को दिया कि इसे आप ट्राई करके देखो, तो उन्होंने बहुत गजब रिजल्ट दिया कि भाई, जो दुकान में अगरबत्तियाँ मिलती हैं उनसे काफ़ी फ्रेगनेंस इसका अच्छा है। तो लास्ट में बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी ट्राई करते हो उसके पीछे आप लेके मत बैठो उसको। फिर आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम चले जाते हैं अपने 5 से 6 साल उसी टाइम पे जिस समय हमने अगरबत्ती बिजनेस की शुरुआत की हुई थी। और जो है शुरुआती दिनों में एक मिथक, मतलब एक ऐसी चीज़ें जो है हो जाती थी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आप सबके बीच शेयर करना चाहता हूँ। और ये बातें जो है आपके लायक, जो भी अभी फ्रेगनेंस के बेस में या फिर अगरबत्ती बिजनेस के बेस में नए लोग होंगे और फ्रेगनेंस से जुड़ी हुई ये बातें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस, परफ्यूम्स, इंसेंस, मसाला, रॉ अगरबत्तीज और ऐसे तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आपको चीज़ें बताते रहता हूँ। फिर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और एक छोटा सा सपोर्ट आप ज़रूर कीजिए। तो बात करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। हाल ही में काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जिनका एक कंप्लेन होता था कि सर, हमने काफ़ी सारे परफ्यूम्स ट्राई कर लिए, अलग अलग तरह के जो कंपनीज़ हैं, ब्रांडेड कंपनीज, नॉन ब्रांडेड कंपनीज, परफ्यूम, सारी चीज़ें ट्राई कर लिए, चीज़ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट उनको क्या होता है कि फ्रेगनेंस का जो एनालिसिस है, मतलब फ्रेगनेंस को जो समझने की शक्ति है, वो नहीं हो पाती कि एक्चुअल में जो हमारा फ्रेगनेंस है वो किस हद तक अच्छा है या फिर नहीं है, क्या ये यूनिक रहेगा या फिर फ्रेगनेंस अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसके बेस में कभी कभी दिमाग ये भी सोचने लग जाता है कि क्या हमारे परफ्यूम्स में कुछ कमी हो गई, या फिर जो हमारा रॉ मटेरियल्स हैं, सपोज़ ये रॉ अगरबत्ती हमने रखी हुई है, तो इसमें कोई ऐसी गलती हो गई कि फ्रेगनेंस अच्छा नहीं आ रहा है। और तीसरी चीज़ हो सकती है कि हमारा DP ऑयल में कोई कमी हो गई हो, जिसके वजह से फ्रेगनेंस हमारा जो है अच्छा नहीं हो रहा, बूस्ट नहीं कर रहा है। ये वो तमाम सारी चीज़ें हम जो है सोचते रहते हैं कि आखिरकार जो है गड़बड़ कहाँ से हो रही है। परफ्यूम में हो सकती है, रॉ अगरबत्ती में हो सकता है, DP ऑयल में हो सकता है, या फिर और कुछ जो प्रोसेस है उसमें कुछ कमी हो जा रही है। फिर आगे जो मैं बात करने वाला हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए। और ये एक बहुत बड़ी मिथक है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल्स में, परफ्यूम्स में, DP में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसका जो है पीछे की कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम अपना फ्रेगनेंस का एक प्रोसेस वर्क करते हैं, हमारा जो अगरबत्ती काम करने की एक जगह होती है वो एक छोटा रूम भी हो सकता है, अपने घर का एक छोटा सा कोना भी हो सकता है, या फिर हो सके तो आपके पास एक अच्छा फैक्ट्री काम करने के लिए जगह भी हो सकती है। अब वहाँ पे उस सिचुएशन पे क्या होता है ना, हमारे पास अलग अलग तरीके के फ्रेगनेंस होते हैं। सपोज़ हमने मोगरा रखा, लेवेंडर, रोज़, फैंसी नोट्स में डिवाइन, पाइन एप्पल, फ्रूटी नोट्स में काफ़ी सारे फ्रेगनेंस, और काफ़ी सारे फ्रेगनेंस में हम काम करते रहते हैं। कभी हमने जो है रोज़ डीप किया, फिर कभी हमने लेवेंडर डीप करके रखा, फिर हमने मोगरा कर लिया, फिर हमने डिवाइन भी कर लिया, फिर हमने पाइन एप्पल भी डीप कर लिया, क्योंकि जब पैकिंग हम प्रोसेस करते हैं तो सारे पैकिंग के लिए अलग अलग परफ्यूमरी के हिसाब से डीप करके हम लोग
रखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है ना, जो सारे फ्रेगनेंस जो होते हैं वो आपस में उस वेदर को जो है चेंज कर लेते, मतलब वहाँ की जो वातावरण होती है, जैसे जब फ्रेगनेंस आपस में मिल जाते हैं, सपोज वहीं पे आपने मोगरा किया, रोज भी डीप कर दिया, लेवेंडर भी कर दिया, पाइन एप्पल कर दिया और काफ़ी सारे फ्रेगनेंस आपने डीप कर दिए। सो फिर अब बात आती है कि हमने सारी चीज़ें डीप भी कर ली, अब पैकिंग का टाइम होता है तो हम उसे एनालिसिस करते हैं। बाय द वे ये हमारा है डिवाइन, हमने डिवाइन डीप किया, डीप करने के बाद ऐसे टेस्ट करते हैं कि फ्रेगनेंस कैसा है। और सारी चीज़ें क्या है ना, हम खुद करने लग जाते हैं, हम खुद से ही ट्राई करने लग जाते हैं। वहाँ पे एक सबसे बड़ी गड़बड़ी नज़र आती है कि अरे यार ये इतना कम डाइल्यूशन में बनाने के बाद भी इसका फ्रेगनेंस कैसे नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा सोचना होता था उस टाइम पे, जो कि एग्जांपल के तौर पे आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं भी यही सोचता कि अरे इतना सारा परफ्यूम चेंज कर लिया और मैंने एक डाइल्यूशन और कम कर लिया कि और अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो सारे फ्रेगनेंस में यही होता था, रोज़ किया तो रोज़ में भी फ्रेगनेंस कम लगने लगता और डिवाइन किया तो डिवाइन में भी फ्रेगनेंस कम लगने लगता। तो एक जो बड़ी चीज़ है मेरे को नज़र आई उस टाइम पे, उसी टाइम पे क्या है, एक मेरे सर थे जो फॉर्मुलेशन का काम करते थे, मतलब उनको परफ्यूमरी और इन सारी चीज़ों के बेस में अच्छी नॉलेज थी, और किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम उनसे मेरी बात हो गई, किसी कारण से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो मैंने प्रोसेस बताया कि सर ऐसे ऐसे सब मेरे पास मटेरियल्स हैं और काफ़ी सारे परफ्यूमरी जब मैं डीप करता हूं, अब जब चेकआउट करने का टाइम आता है तो मुझे फ्रेगनेंस समझ ही में नहीं आता कि क्या करूं, क्या करूं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है। सो उनका कहना ये था कि एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आप ट्राई करने की कोशिश मत करो, और उनका समझाना ये था कि देखो भाई आप अगर फ्रेगनेंस बना रहे हो या फिर अगरबत्ती फ्रेगनेंस कर रहे हो और इसे मार्केट में आपको बेचना है, तो आप उस चीज़ को जो है उसी मार्केट में ट्राई करो, आप उसको पकड़ के मत बैठो कि इसका खुशबू ऐसा है, उसका खुशबू ऐसा है। आप नहीं हो जलाने वाले, जलाने वाले वही कस्टमर हैं जिनको आप छोड़ के दोगे या फिर आप दुकानदार को बेचोगे या पड़ोस में आप किसी को बेचोगे। तो जो है चेकआउट करने का प्रोसेस आप अपने दुकानदार से कराओ या फिर पास में बैठे उस जो है आपके घर परिवार में या फिर कोई लोग होंगे या फिर पड़ोस में कोई लोग होंगे, उनसे आप ट्राई कराओ कि भाई ये हमारा अगरबत्ती है, इसमें इस फ्रेगनेंस हमने किया, इसका रिजल्ट कैसे है, आप एक बार देखो, ट्राई करके आप दो। सो फिर मैंने वो चीज़ें ट्राई की और मुझे एकदम से वो चीज़ें शॉक्ड लगी कि जो चीज़ें मेरे को ख़राब लगती थी, मतलब मैं उस चीज़ को ख़राब समझता था कि इसकी फ्रेगनेंस अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वही चीज़ें जब मैं पड़ोस के लोगों को दिया कि इसे आप ट्राई करके देखो, तो उन्होंने बहुत गजब रिजल्ट दिया कि भाई जो दुकान में अगरबत्तियाँ मिलती हैं उनसे काफ़ी फ्रेगनेंस इसका अच्छा है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, आपका जो अगरबत्ती है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब जलाने पर भी अच्छा खुशबू आ रहा है, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक ये खुशबू दे ही रही है। तो मैं सोचा कि भाई बहुत गजब हो गया ये, कि जो चीज़ें मैं खुद ट्राई करता था उसमें अच्छी नहीं लगती थी, और जो इसी चीज़ को अगर मैं जो मैं अपने पड़ोस को दिया तो वो खुश हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग तरीके के बहुत सारी परफ्यूम्स ट्राई करते हैं ना, सो जो हमारा सूंघने की जो शक्ति है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप एक ही टाइम पे रोज़ भी कर रहे हो, लेवेंडर भी कर रहे हो, डिवाइन भी कर रहे हो, पाइनएप्पल भी कर रहे हो, तो वो कितने सारे परफ्यूम्स का एनालिसिस करेगा, मतलब जो आपका नाक है वो कितने सारे फ्रेगनेंस को समझेगा कि इसका फ्रेगनेंस ऐसा है वैसा है, और इसके वजह से ही आपको जो है फ्रेगनेंस जो फीका लगता है और आपको लगता है कि क्वालिटी ख़राब है, ऐसा नहीं है। तो लास्ट में बस एक चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी ट्राई करते हो उसके पीछे आप लेके मत बैठो, उसको डीप कर दिए, अच्छा एक मटेरियल बना दिए, अच्छा फ्रेगनेंस दे दिए, वहाँ तक सही है, उनको ट्राई करने के लिए आप पास के जो दुकानदार जहाँ आप अपनी अगरबत्ती बेचने वाले हो उसको एक या दो स्टिक आप दे दो कि ये आप जला के देखो भैया कि कैसा है क्वालिटी, या फिर आपके जो पड़ोस में लोग होंगे उनको दे दो कि भाई शाम को जब आप पूजा करोगे तो दो स्टिक हमारा जो है जला के देख लेना और इसका रिजल्ट बताना। सो जो अच्छी क्वालिटी होगी, जो जितना क्वालिटी होगा ना, वो पड़ोसी या दुकानदार ही बता पाएगा, उसके पीछे आप मत बैठो कि इसका फ्रेगनेंस ऐसा है, हमारी अगरबत्ती क्वालिटी ख़राब है, ऐसा वैसा, ये दिमाग में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये चीज़ें मैं काफ़ी दिनों बाद समझा कि एक्चुअल में हमारी चीज़ों पे गलती नहीं है, गलती है तो हमारे सूंघने के तरीके में। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस वीडियो,
और मैंने इसको आपके सामने जो है शेयर करने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं आने वाली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और